light work with the bass on the track. On my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. तो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, ये वो मुहंग है जिसपे मैं काम कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने प्रोजेक्टर्स और बार एंड इंडिकेटर्स और छोटे मोटे और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए, साथ ही में इसका जो है फुल बॉडी कलर हुआ है। पर अभी जो है कलर थोड़ा सा बोल सकते हो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसको जो पूरी बाइक फिर से जो है रिपेंट में जा रही है। तो ये मैट ब्लैक कलर हुआ था, पर पूरा कलर जो अभी डल है। तो भाई, इस बाइक को जो है मैं अभी उदवाड़ा लेके जा रहा हूँ, तो मेरे साथ अभी जो ब्रिजेश भाई है वो बाइक को चलाएंगे और अपने जो अपने रैक्सा चलाएंगे और यहाँ से जाएंगे अपने सीधा उदवाड़ा। तो मिलते हैं डायरेक्ट मोटर ब्लॉकिंग सेटअप पे। सो गाइस, लेट्स मूव। और अभी बाइक में फ्यूल बहुत ज़्यादा कम है, तो सबसे पहले अपने जो है फ्यूल स्टेशन जाएंगे और इसमें फ्यूल भरेंगे। इसका जो पूरा फ्यूल है मैंने जो है हंक में डाल दिया है, अभी देखते हैं चालू होगी कि नहीं। 1 लीटर फ्यूल है अंदर अभी भी। और उस ये बाइक का मतलब सारा फ्यूल जो है मैंने हंक में डाल दिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ से अपने सबसे पहले जाते हैं फ्यूल स्टेशन और यहाँ पे जो अपने ब्रिजेश भाई अपनी बाइक अंदर सेफली पार्क कर दिए और अभी जो है हंक लेके हमारे पीछे पीछे आएंगे। आप देख सकते हो जो मिरर्स मैंने इंस्टॉल किए थे रिसेंट वीडियो में, आप लोगों को पता था किस तरीके से पूरा बटरफ्लाई बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा हिलते हैं मिरर्स। तो अभी यहाँ से जाते हैं सीधा फ्यूल स्टेशन, क्योंकि बाइक में जो है थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, तो इसमें सबसे पहले जो है फ्यूल भराते हैं। पेट्रोल का रेट देख रहे हो किधर जा रहा है, 84। वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर बिकेगा कुछ ही महीनों में। यार इतनी एक्साइज ड्यूटी क्यों है यार इंडिया में पेट्रोल पे? गवर्नमेंट को सारा पैसा पेट्रोल से ही कमाना है यार। इसको ना मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इसको देख देख के। एटलीस्ट हिलेगा तो नहीं बंद करने पर इतना। वाइब्रेशन कम हो गई। वाइब्रेशन कम हो कैसे चला रहा है? चलाओ। तो तू आगे ध्यान देना, तो नहीं तो साइड पे रुका के निकाल ले। चालू बाइक पे निकल रहा है, दूसरे की मार रहा है। नुकसान कौन देगा? लगा क्या तेरे को? चल देख ले, जो नुकसान है दे दे। रेंदे, 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 चल तेरे को जो देने का है दे। क्यों कहाँ से दूंगा? तेरी गलती, तेरे को देना पड़ेगा, सीधी बात है। क्या बोलना? तो सही है, हेलमेट था। हेलमेट था, हेलमेट से गिरे ना। नहीं रे, इसके घर पे रखे थे हम लोग, गाड़ी बनाने जा रहे थे।
माफ करो मतलब गलती है माफ कर दे सर। गाड़ी का नुकसान भर मेरे को लगा उसका लाइसेंस भी नहीं होगा तेरे को। क्या ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा लगा क्या? छोड़ बता बोलू। रेंद चेंज ही कर देगा हैंडल, कुछ नहीं है उसमें। एक ही फाइबर है ना? मामू चाय के बाद वो गली में सेकंड गली में नहीं मिलता है भाई। कहाँ डालेगा इसको? चलो भाई हो गया कांड, मतलब आज का दिन बहुत ख़राब जा रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ कि भाई जो है पीछे आगे वाले गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार दिया। अभी घर पे जाके क्लिप चेक करूँगा तो असल में पता चलेगा कि हुआ क्या, पर बहुत बेकार गिरा अपना भाई। और उसको कुछ मार के मतलब ही नहीं था, वो बोल रहे थे मार दे, पर मार के कोई मतलब नहीं है भाई। नुकसान हुआ है अभी तो कैसे भी भरपाई करना, या तो उसको या तो हमको। नहीं दिया चलो जान दिया, चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। गाड़ी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जा रहे थे बाइक को लेके कलर करने के लिए, अभी मेरे को लगता है इसमें फिर पूरा पार्ट्स जो है फिर से खरीद के लाना पड़ेगा मुझे, और अच्छा खासा खर्चा फिर बैठ जाएगा मेरा। और किस्मत इतनी ख़राब के साला राइट साइड का पार्ट जो मिल नहीं रहा था इतने दिनों से टैंक के साइड का, वो मिला और वो ही टूट गया। अब क्या मालूम फिर कहाँ से मिलेगा उसको, कहाँ से ढूँढूँगा मैं। गाइस एज यू कैन सी हियर, ये वाला जो हेडलाइट का ये वाला पोर्शन है पूरा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। साथ ही में टैंक का जो है कवर, ये सबसे रेयरेस्ट चीज़ थी भाई, इसको ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था और यही टूट गया। इसको फिर से ढूंढना पड़ेगा और 700-800 का फिर से खर्चा, और बाकी सब तो सही है। मतलब ये दो पैनल खाली चेंज करना पड़ेगा और भाई को लगाए थोड़ा बहुत। चलो कोई नहीं, तो करते इस वीडियो को एंड, मिलते अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। Peace out.